कल हम लोगों ने देखा था, इट इज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग मॉरल प्रिंसिपल्स। ये ईमानदार बने रहने का गुण है और खुद के अंदर कुछ मॉरल नैतिक सिद्धांत बनाए रखने का गुण होता है। इट इज ए स्टेट ऑफ बीइंग यूनाइटेड और अनडिवाइडेड, ये अखंड बने रहने की स्थिति होती है। क्वालिटी ऑफ ए पर्सन करेक्टर, ये व्यक्ति के चरित्र का एक गुण होता है। वोलनेस, इंटेक्टनेस एंड प्योरिटी ऑफ ए थिंग, यह व्यक्ति को अखंड बनाए रखती है, एकनिष्ठ बनाए रखती है, उसे शुद्ध बनाए रखती है, ठीक है, उसे करप्टेड नहीं होने देती, भ्रष्ट नहीं होने देती है। इंटीग्रिटी इज ए डिफेंस सिस्टम, ये एक प्रकार का रक्षात्मक तंत्र भी होता है। फिर देखा था इंटीग्रिटी एज सेल्फ इंटीग्रेशन, इंटीग्रिटी वेरियस पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी इंटू अ हार्मोनियस इंटैक्ट वॉल। इंटीग्रिटी को हम लोगों ने एज ए हारमोनी बनाए रखती है। हमारे जितने भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं पर्सनैलिटी के, हम कैसा सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कैसा हमारा सेंसेस को लेके बिहेवियर है, जैसा हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है चीजों को, जैसे हमारे प्रोजेक्शंस हैं उनको लेके सारी चीजें जो डिसाइड करती है वो होती है इंटीग्रिटी। फॉर्मल रिलेशन टू सेल्फ, ये हमारे स्वयं के साथ हमारा एक औपचारिक संबंध होता है, जिनका अनौपचारिक, जैसे जिन जिनका इंटेग्रिटी था, फॉर्मल रिलेशन था खुद के साथ में, वो टाइम पे आ गए। जिनका खुद के साथ में इनफॉर्मल रिलेशन चल रहा है, वो टाइम पे नहीं आए, वो खुद को मना रहे हैं कि कोई बात नहीं, एक साल तो और हो जाए, एक तो थोड़ा सा 5 मिनट क्या फर्क पड़ता है। तो टाइम पे आना, दैट इज इंटेग्रिटी। हम लोगों ने सत्य के साथ निष्ठा बना रखी है, क्योंकि टाइम पे क्लास शुरू होती है, दैट इज सत्य। और थोड़ा सा एक चाय की बारी और हो जाए, वो क्या है, सत्य नहीं है। चाय सत्य नहीं, क्लास सत्य है, समझ आया? तो बस इंटीग्रिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो वो होता है हमारा इनफॉर्मल रिलेशन, कि हम लोग अपने आप को मना लेते हैं। फॉर्मल रिलेशन में हम लोग मना नहीं पाते, जो नियम कायदे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसिप्लिन होता है, हर हाल में उसे मानना ही पड़ता है। फॉर्मल रिलेशन हमारे अंदर आता है स्ट्रेंथ ऑफ विल से, हमारी विल पावर कितनी मजबूत होती है, स्ट्रेंथ एंड इंटेंशन एंड एक्शन से आता है। ये चीजें हम लोगों ने कल देखी थी, और इसमें एक पॉइंट और देख लिया था, इवन व्हेन हैव सीरियस ऑब्स्टेकल्स टू द एक्शन, यहां तक देखा था नहीं, पहले तक देख लिया था, सीरियस ऑब्स्टेकल है, इस स्वयं के साथ औपचारिक संबंध तक हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था। इवन व्हेन हैव सीरियस ऑब्स्टेकल्स टू द एक्शन, लिखो, इवन व्हेन हैव सीरियस ऑब्स्टेकल्स टू द एक्शन, स्वयं के साथ में, जैसे कर्म के साथ गंभीर बाधाएं होने के बावजूद, इवन व्हेन हैव सीरियस ऑब्स्टेकल्स टू द एक्शन, कर्म के साथ गंभीर बाधाएं होने के बावजूद, इतनी लाइन कंप्लीट हो गई थी। अब नया पॉइंट लिखो, अ पर्सन इज सब्जेक्ट टू मेनी कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स, अ पर्सन, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ इंटीग्रिटी, अ पर्सन इज सब्जेक्ट टू मैनी कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स, मैनी कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स, एक व्यक्ति बहुत सारी दुविधापूर्ण इच्छाओं से घिरा रहता है, एक व्यक्ति बहुत सारी दुविधापूर्ण इच्छाओं से घिरा रहता है। अब हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड है, क्योंकि हमारे सेंसेस 5 हैं, लेकिन इच्छाएं हजारों हैं, हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, इतना निकले कि बहुत ज्यादा निकले। हमारी ख्वाहिशें होती है बहुत ज्यादा, हर समय हमारी कुछ ना कुछ ख्वाहिश रहती है। ख्वाहिश ये रहती है 5 मिनट और रुक जाए, ठीक है ना, थोड़ी सी चाय और हो जाए। अब देखो इसमें से दो ख्वाहिशें एक समझ में आने वाली होगी, इसको हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे ना। आपके सामने कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर है, एक डिजायर है स्टडी, दूसरी डिजायर है प्ले, एक तो होता है खेलना, एक होता है स्टडी। ये खेलना वो नहीं कि आपको स्पोर्ट्स पर्सन और खेलने जा रहे हो, कि मुझे खेलना है फन के लिए, स्टडी वर्सेस फन करो, प्ले नहीं, क्या करो, फन, मनोरंजन। अब फन के अंदर आपके साथ में कुछ भी हो सकता है, सोना हो सकता है, गाना हो सकता है, घूमना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स आ गई, आपकी एक डिजायर है आरएएस बनने की, आईएएस बनने की, उसके लिए फॉर्मल रिलेशन ये बोलता है कि आपको हर हाल में डिसिप्लिन हो जाए, पढ़ना ही पड़ेगा।
लेकिन आप जी बीच में ही डिजायर आ गई जी, हम लोगों को जब मजा बिना आईएएस मिले ही मिल रहा है, तो हम लोग आईएएस बन के क्या करेंगे, पहले ही मजा ले लेते हैं। घूमने का मौका कब मिलेगा हमारे को, जी क्लब जाने का मौका कब मिलेगा हमारे को, ठीक है ना, या हमारे को डब्ल्यूटीपी जाने का मौका कब मिलेगा, पार्टी करने का मौका कब मिलेगा, पढ़ाई तो चलती रहेगी, पहले हम लोग आनंद ले लेते हैं, थोड़ा सा सो लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, बातें कर लेते हैं, चाय पी के आ जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब ये लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है ना, रिकॉर्डेड के बाद में शाम को अपलोड कर देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन तो सबको मिल जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे साथ में फन मिल रहा है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर आ गई। कुछ लोग जिनका रिलेशन खुद के साथ में फॉर्मल है अपनी इच्छाओं को लेके, वो तो फन को क्या कह देंगे, गन दिखा देंगे, कि फन यू गन दिखा दी, कि फन नहीं चाहिए हमारे को, मुझे पढ़ाई करनी है। यानी कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति इंटेक्ट रहा, इंटेक्ट रहा मतलब उसको पर्टिकुलर सत्यनिष्ठ व्यक्ति कहा जा सकता है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि पढ़ाई में लेना देना क्या है, वो भी फेल हुए थे, वो भी फेल हुए थे, वो भी फेल हुए थे, इतने सारे एग्जाम्पल होते हैं हमारे सामने कि हम लोग एन केन प्रकरण हर हाल में फन की तरफ मुंह कर जाते हैं। ये कॉन्फ्लिक्टिंग डिजायर्स हमारे साथ में चलती है या नहीं चलती, स्टडी वर्सेस पार्टी। तो अब आपकी जो स्टडी है वो तो आपको देगी सक्सेस, क्या देगी, सक्सेस, और सक्सेस से मिलती है हमारे को परमानेंट हैप्पीनेस, और दूसरी पार्टी है, पार्टी आपको देगी टेम्प्रेरी हैप्पीनेस, क्योंकि पार्टी करने के बाद में आपको दुख होगा जी कल मेरा एग्जाम है और मैंने पार्टी क्यों की, पार्टी कर रहे हैं तो उस पार्टी का मजा भी नहीं ले पाते हम लोग, रहता ही नहीं रहता। आप सक्सेस होने के बाद में पार्टी करो, तो आप अपनी पढ़ाई के प्रति इंटेक्ट थे मतलब आप इंटीग्रेटेड थे, पढ़ाई के प्रति इंटेक्ट नहीं थे मतलब आप इंटीग्रेटेड नहीं थे। बहुत सारी जीवन के अंदर बाधाएं आती है, बहुत सारी डिजायर्स आती है, आपको ले जाती है बीच में से, पढ़ाई छुड़वाने के हजार बहाने होते हैं, ठीक है ना, जहां संकल्प होता है वहां विकल्प नहीं होता है। आपके जीवन में सत्यनिष्ठा को तोड़ने वाली हजार बाधाएं आती है, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पल पल है भारी, ठीक है, हर पल पे आपके सामने इतनी ज्यादा डिजायर्ड सी चीजें दिखने लग जाती है। जब आप एक बेहतर पद पे होते हो, हर पल आपको यह लगता है कि मैं इधर चला जाऊं, हर पल इधर चला जाऊं, इधर तो क्या है, बेहतरीन फूल दिख रहे हैं, रास्ते पे मेरे को कांटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो चले कांटों के रास्तों पे वो होता है सत्यनिष्ठ, जो अपनाता है फूलों को वो हो जाता है असत्यनिष्ठ, क्योंकि कांटों के रास्ते से आगे मिलते हैं आपको फूलों की मंजिल, दैट इज सत्यनिष्ठा। तो हर सत्यनिष्ठ व्यक्ति को थोड़े से कांटों के रास्तों पर चढ़ना ही पड़ता है, तो पढ़ाई करेंगे तो सफलता मिलेगी, मतलब हम लोग सत्यनिष्ठ आज रहेंगे तो सत्यनिष्ठा का जो फल होता है वो बेहतरीन फल होता है। आज हम लोग सत्यनिष्ठ नहीं है तो हमारा जो फल आएगा वो बहुत ज्यादा खराब आएगा। हर हाल में व्यक्ति को सत्यनिष्ठ रहना ही होता है, और जो सत्यनिष्ठ नहीं होता उसे का ये लिखो, विदाउट इंटीग्रिटी, जिस व्यक्ति में इंटीग्रिटी नहीं है, इंटीग्रिटी तो समझ में आ गया, और जिस व्यक्ति में इंटीग्रिटी नहीं है वो वेंटम बन जाता है, वह आवारा होता है, लिखो, जिस व्यक्ति में सत्यनिष्ठा नहीं होती वह आवारा होता है, वेंटम लंपट होता है, ठीक है ना, बेईमान, वेंटम बोलते हैं उसको, वेंटम। बहुत सारे जैसे दार्शनिक है उन्होंने यह शब्द उपयोग में लिए हैं, विदाउट इंटीग्रिटी पर्सन क्या बन जाता है, आवारा बन जाता है, बताया नहीं बनता, जिसको क्लास का रेगुलरिटी नहीं है वो क्या है, आवारा, फिरता फिरूं मैं आवारा, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, ठीक है ना, सच है दुनिया वालों हम है अनाड़ी, वो अनाड़ी नहीं आवारा है, ठीक है, वेंटम कहा गया है उसे, और वेंटम कुछ भी कर सकता है, समझ में आ गया। तो इंटीग्रेटेड पर्सन है इंटीग्रिटी। फिर लिखो विश्चंदन, नेक्स्ट चीजें लिखो, फुली इंटीग्रेटेड पर्सन विल नॉट फॉल विक्टिम टू सच कॉन्फ्लिक्ट्स, फुली इंटीग्रेटेड पर्सन विल नॉट फॉल टू सच, फुली इंटीग्रेटेड पर्सन विल नॉट फॉल विक्टिम टू सच कॉन्फ्लिक्ट, पूर्णतः सत्यनिष्ठ व्यक्ति इन दुविधाओं के जाल में नहीं फंसता है, पूर्णतः सत्यनिष्ठ व्यक्ति इन दुविधाओं के जाल में नहीं फंसता है, फुली इंटीग्रेटेड पर्सन विल नॉट फॉल विक्टिम टू सच कॉन्फ्लिक्ट्स, उसे कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं आता। अगर आपको बताया कि मेरा एक पर्टिकुलर टारगेट है, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा टारगेट है अप्राप्त मुक्त भारत होना चाहिए, मेरा टारगेट है
भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान होना चाहिए, तो मैं उसी पे काम करूंगा। मैं किसी भी फाल विक्टिम नहीं बनूंगा ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट मेरे सामने कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। मेरे को पैसा दिखाई नहीं देता है, मेरे को भ्रष्टाचार दिखाई देता है। मेरे को कोई भी बड़ा फोन दिखाई नहीं देता है कि गन दिखाई नहीं देती, मुझे अपराध दिखाई देता है। मेरे को कोई भी बाहरी मौसम दिखाई नहीं देता है, पकौड़े दिखाई नहीं देते, मेरे को मेरा एग्जाम दिखाई देता है। तब मेरे सामने कोई दुविधा नहीं है, और जैसे ही मैं कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पड़ गया, मेरे सामने दुविधाएं हैं। पहले मैं पकौड़े खाऊंगा, फिर बर्गर फार्म से बर्गर खाऊंगा, फिर पिज्जा हट से पिज्जा खाने चला जाऊंगा। ये रुकते नहीं है, अनस्टॉपेबल सिलसिला होता है कि अब दिन तो खराब कर ही दिया, थोड़ा सा और खराब कर लेते हैं, क्या जाता है, ठीक है, और फिर दवाई वाले जाएंगे, ठीक है, पेट खराब हो ही जाएगा, हो गया, चलो आगे लिखो। दिमाग खराब नहीं करना है, क्या खराब हो जाए, पेट हो जाए। पर जिसका दिमाग खराब होता है वो असत्यनिष्ठ हो जाता है, वो वेंटम हो जाता है, और जिसका दिमाग सही रहता है वो सत्यनिष्ठ बन जाता है। लिखो, होल हार्टेडनेस इक्वल टू इंटीग्रिटी, एक निष्ठता ही सत्यनिष्ठ है। होल हार्टेडनेस, एक निष्ठता, होल हार्टेड नेश बराबर इंटीग्रिटी, ग्रेटी। किसी हाल में हमारे को कोई भी करप्ट नहीं कर सकता, किसी हाल के अंदर वो होती है एक निष्ठता। मेरी पूरी की पूरी निष्ठा मेरे जॉब के अंदर है, मेरी पूरी की पूरी निष्ठा जिस कार्य को मैं कर रहा हूं उसके अंदर है, दैट इज होल हार्टेड नेस, एक निष्ठता होती है। जिसकी एक निष्ठता होती है वो कभी भी धोखेबाज नहीं बनता। जैसे हम लोगों ने सुबह पढ़ा जी, बीका दैया जी एक निष्ठता अपने राजा कानड़देव सोनग्रह में नहीं थी, इसीलिए बीका दैया ने निष्ठता जिसमें दिखाई अलाउद्दीन खिलजी के अंदर, और अलाउद्दीन खिलजी के प्रति निष्ठता दिखाई तो गिफ्ट हैम्पर में क्या लिया, गला कटवा लिया, क्योंकि उसने पत्नी ने देखा जी इसकी एक निष्ठता जब अपने राजा के साथ में नहीं हो सकती तो मेरे साथ में क्या एक निष्ठ रहेगा ये। तो इट इज वॉज अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ इंटीग्रिटी दैट बीका दैया वॉज किल्ड बाई हिज ओन लविंग वाइफ, अपनी जो प्रेम करने वाली पत्नी से उसको अपने गला कटवाना पड़ा। ये इंटीग्रिटी के कारण होता है। आया समझ में? हम लोगों ने रंग दे बसंती मूवी देखी है, रंग दे बसंती मूवी के अंदर लास्ट का सीन देखा है, उसके अंदर जो डीजे होता है, डीजे अपने दोस्त को बोलता है कि अपने पिता को मार दे, और वो पिता को मार देता है। क्यों मारता है? क्योंकि पिता इंटीग्रेटेड पर्सन नहीं था। उसे पिता के कारण उसका जो खास दोस्त होता है फाइटर पायलट आर माधवन, उसकी डेथ हो जाती है। तो अगर आप इंटीग्रेटेड नहीं हो तो फल बाद में मिलता है आपको। हम लोग जब इंटीग्रेटेड रहते हैं तो हमेशा हमारे साथ में एक डिफेंस सिस्टम काम करता है, और जो इंटीग्रेटेड फुल्ली इंटीग्रेटेड पर्सन होते हैं वो ज्यूनाइन और ऑनेस्ट होते हैं। लिखो, फुल्ली इंटीग्रेटेड पर्सन कौन होगा? फुल्ली इंटीग्रेटेड पर्सन, इंटीग्रेटेड पर्सन ये एक तो ऑनेस्ट होता है ईमानदार, और दूसरा होता है वास्तविक, ज्यूनाइन, यूनाइट, वास्तविक और ईमानदार होता है, पूर्णतः सत्यनिष्ठ व्यक्ति, ईमानदार वह वास्तविक। और वास्तविक होने का एक ये फायदा है कि आपको लोग आसानी से पहचान जाते हैं। आप वास्तविक नहीं हो तो आपको लोग आसानी से नहीं पहचान पाते। तो वास्तविक रहना, बने रहना हमारे को हर हाल में जरूरी होता है। एक तो हम सत्यनिष्ठ बनते हैं, दूसरा हमारे पे विश्वास बना रहता है हर हाल के अंदर। जब हम लोग हमेशा ही भेड़िए की खाल पहन के पहुंच जाते हैं या भेड़ की खाल पहुंच जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वास्तव में जब हमारे पे बाधा आती है उस टाइम हमारी मदद करने वाला कोई नहीं आता। यार ये आज मुझसे राजी बोल रहा है, कोई ना कोई तो काम है। एक यार ये तो हमेशा ही राजी बोलता है, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम है तो भी राजी बोलेगा, नहीं है तो भी राजी बोलेगा, नाराज हो गया तो भी राजी बोलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारा रियल कैरेक्टर होता है। ये कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आज ये ऐसे राजी बोल, क्या कारण रहा है क्या, हम दिमाग लगाने लग जाते हैं। ऐसा होता है ना, वहां पे हमारा वास्तविक करेक्टर नहीं होता कि यार इससे यार दोगलापन है इसके अंदर। एक शब्द होते हैं ना, ये कभी भी दोगला या धोखा दे सकता है, वो चीजें खो देते हैं हम लोग। यानी ये वास्तविक नहीं है, इसकी हंसी वास्तविक नहीं है, इस हंसी के अंदर कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, इसका रोना वास्तविक नहीं है, नाटक किया जा रहा है। तो वहां पे दिक्कत आती है। जब हम लोग फुली इंटीग्रेटेड पर्सन होते हैं कि यार ये वास्तव में सही आदमी है, जब कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है तो जो उस व्यक्ति को पहचान रहा है वो ये बोल देता है कि ये वास्तव में सही आदमी है, ये ईमानदार व्यक्ति है, ये सत्यनिष्ठ व्यक्ति है। तो सत्यनिष्ठ जब हम अधिकारी बनते हैं तो हमारे पद के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है। इट इंक्रीज द बिलीफ फेथ
इन द सोसाइटी, लिखो, इट इंक्रीज द बिलीफ फेथ इन द सोसाइटी। फिर इसके फायदे नुकसान वन बाय वन सब देख लेंगे। यह समाज में विश्वास में बढ़ोतरी करता है। यह समाज में विश्वास में बढ़ोतरी करता है। यह हमारा व्यू था फॉर्मल इंटीग्रेटेड एज ए सेल्फ इंटीग्रेशन, यही था ना। अब नया व्यू लिखो, आइडेंटिटी व्यू ऑफ इंटीग्रेटी, सत्यनिष्ठा का पहचान अवधारणा, आइडेंटिटी व्यू ऑफ इंटीग्रेटी, आई डेन टिटी व्यू ऑफ इंटीग्रेटी, सत्यनिष्ठा की पहचान अवधारणा, सत्यनिष्ठा की पहचान अवधारणा। इसमें लिखो पहले, ट्रू कमिटमेंट रादर देन ऑर्डरिंग एंडोर्सिंग डिजायर्स, ट्रू कमिटमेंट, इसमें क्या लिखेंगे, ट्रू कमिटमेंट, 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 रादर देन एंडोर्सिंग डिजायर्स, एंडोर्सिंग और ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग डिजायर्स, सच्ची प्रतिबद्धता, सच्ची प्रतिबद्धता, नैतिक इच्छाओं की गुलामी, सच्ची प्रतिबद्धता नैतिक इच्छाओं की गुलामी, ट्रू कमिटमेंट रादर देन एंडोर्सिंग और ऑर्डरिंग डिजायर्स, ट्रू कमिटमेंट। जैसे कि राधे मूवी का, जो एक बार मैं कमिटमेंट कर देता हूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, समझ में आ गया, दैट इज ट्रू कमिटमेंट, कि एक बार वादा कर दिया हर हाल में वादा निभाया जाएगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, रघुकुल रीत सदा चली जाए, सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाए, ट्रू कमिटमेंट है। वहां पे वो इच्छाओं को नहीं देख रहे हैं, इच्छाओं को अगर व्यक्ति के द्वारा देखा जाता है तो उसकी आइडेंटिटी पे सवाल खड़े हो जाते हैं। आपकी पहचान आपकी सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करती है। योर आइडेंटिटी इज डिसाइडेड बाय योर इंटीग्रिटी, आपकी जैसी सत्यनिष्ठा होती है वैसी आपकी पहचान हो जाती है। यार ये बात का धनी है, ये कटार का धनी है, इसने बोल दिया मतलब काम पक्का हो जाएगा। अरे यार ये तो गोली देता है, सब कोई बोलता, ठीक है ना, इस पे विश्वास मत करो, ये टाइम पे नहीं आएगा। हमने बोल दिया मैं 10 बजे आ रहा हूँ, मतलब 10 बजे आ रहा हूँ, मतलब सत्यनिष्ठ है। अगर हम लोगों ने बोला 10 बजे आ रहे हैं हम 2 बजे, तो अगली बार जब वास्तव के अंदर आपको जरूरत भी पड़ गई, आपने कह भी दिया सच के अंदर, तो भी विश्वास नहीं रहेगा हम लोगों को, रहता कि नहीं रहता। तो आपकी पहचान क्या बन जाती है उसमें, आपकी पहचान बन जाती है गोलीबाज की, आपकी पहचान बन जाती है बेईमान की, आपकी पहचान बन जाती है वेंटम की, आवारा की। अगर आपको वास्तविक पहचान बना के रखनी है तो आपने जो बोला है वैसा ही करो। आप अगर किसी व्यक्ति को कहते हो कि मैं 10 बजे आ रहा हूं, तो आपको किसी व्यक्ति ने 4 बजे फोन किया, आपको लगता है कि मैं 1 घंटे में किसी हाल में नहीं जा पाऊंगा, अगले व्यक्ति को बोल दो मैं 9 बजे आऊंगा, यानी 15 मिनट एक्स्ट्रा बताओ, और 15 मिनट एक्स्ट्रा बता दिए 9:15 बजे ही पहुंच जाओ, तब आपकी विश्वसनीयता बनी रहती है कि यार ये टाइम पे आ जाते हैं, एकदम जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। आपने कह दिया मैं ये काम कर लूंगा तो कर ही दो ये काम, नहीं तो आपने जैसे किसी से पैसे उधार लिए, पैसों के अंदर ये बहुत ज्यादा सत्यनिष्ठा चलती है, उस दौरान आपने कह दिया 5 दिन में मैं लौटा दूंगा, 5 दिन के 5 साल हो गए, आज तक लौटाया नहीं जा रहा है, ब्याज तो गया दूर की बात, यहाँ पे तो मूलधन ही नहीं मिल रहा, तो वहां पे आपकी आइडेंटिटी क्या शो हो जाएगी कि इस व्यक्ति को कभी भी पैसा नहीं देना, ये तो खावड़िया है, होगा या नहीं होगा। तो आपकी आइडेंटिटी खावड़िया की बन गई, आपकी आइडेंटिटी आवारा की बन गई, इसको मत दे दूंगा, एक ये तो फिरता फिरेगा इधर, ये टाइम पे नहीं आएगा, इस पे हम लोग विश्वास नहीं कर सकते, ये गोलीबाज है, ये शब्द बन जाते हैं यहाँ पे। वैसे ही प्रशासन के अंदर जो अधिकारी होते हैं उनकी आइडेंटिटी भी इंटीग्रिटी के अनुसार होती है। साहब वो तो पैसे नहीं लेते, अधिकारी नंबर अभी बिल्कुल पैसे नहीं लेता है, अभी के पास भूल के भी मत चले जाना, अगर लेके चला गया ना तो तेरे को पिटाई तो वहीं पे करेगा ही, एससीबी के अंदर भिजवाएगा और ऊपर से वहां पे तेरे पे केस भी दर्ज कराएगा। दूसरी बात है रोहित,
अपना काम रोहित करवा सकता है, तेरे को तो बस जुगाड़ करना है। नहीं क्या, थोड़ी मिठाई का डब्बा ले जाना, मिठाई के डब्बे में मिठाई मत लेके जाना, उसके अंदर जो नए नए नोट आए 2-2 हजार वाले वो लेके जाना। 2 लाख रुपए में काम करवा दूंगा, सेटलमेंट की बात है। काम था 5 लाख का, अपना दोस्त था रोहित, ये 5 लाख में तो रोहित की आइडेंटिटी क्या बन रही है, काम करवाता है लेकिन ये पैसे खाता है। तो हमारे डिपार्टमेंट का जो अधिकारी है रोहित, वो क्या खाता है, पैसे। तो इसकी क्या बन गई है, आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी बन गई। बनी या नहीं बनी, इसी सत्यनिष्ठा के अनुसार इसकी आइडेंटिटी डिसाइड हो जाती है। फिर क्या होता है कि रोहित पैसे भी खाता है, काम भी नहीं करता, आपने कमिटमेंट लिया, कमिटमेंट भी रहता है, ठीक है ना, पैसे लौटाता और नहीं है, तो वो आइडेंटिटी और बन जाती है। कई बार हम लोग देखेंगे जी मैं कमिटमेंट पे रहता हूँ, लेकिन कई बार नेगेटिव कमिटमेंट भी तो होते हैं ना, उनको दूर रखना है। यहाँ पे पॉजिटिव कमिटमेंट्स को रखना होगा हर हाल के अंदर। तो हम लोग अगर हमारे वादे पे नहीं रहते, इच्छाओं पे चले जाते हैं, मतलब हम लोग इंटीग्रेटेड पर्सन नहीं है, तो हमारी असत्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में पहचान सुनिश्चित हो जाएगी। हम लोग इच्छाओं को त्याग देते हैं कि मैंने तेरे साथ वादा किया जन्म जन्मांतर का, तो तेरे साथ ही निभाऊंगा, दैट इज सत्यनिष्ठा। मैंने इस पद के सत्यनिष्ठा की कसम खाई है, तो मैं इस पद के प्रति हमेशा इंटीग्रेट रहूंगा, तो मैं सत्यनिष्ठ रह जाऊंगा। आप आज इस देश में थे, कल दूसरे देश में चले जाओ, आप नागरिकता लगातार बदलते रहते हो, क्या कोई देश आपको अपनाएगा? नहीं अपनाएगा। देश यानी कि आपने एक देश को छोड़ा, दूसरे में जा सकते हो, लेकिन वहां पे तो सत्यनिष्ठ रहो। ऑफिस के प्रति आपकी सत्यनिष्ठा नहीं है, घर के प्रति आपकी सत्यनिष्ठा नहीं है, तो आप घर के भेदी लंका ढहाए। तो वो बेसिकली क्या है, सत्यनिष्ठ नहीं था। रावण वहां पे भाई से ज्यादा वहां का राजा है, आपकी अपने राजा के प्रति सत्यनिष्ठा नहीं थी, इसीलिए रावण का जो साम्राज्य है लंका वो ढह जाता है। इसीलिए सत्यनिष्ठा के आधार पे कि जो सत्यनिष्ठा को खोने वाला व्यक्ति था विभीषण, आज किसी व्यक्ति का नाम विभीषण नहीं है। क्या हमारी क्लास में कोई विभीषण है? किसी का नाम है विभीषण? विभीषण एक संबोधन है। क्या बन गया है विभीषण? एक संबोधन है जो कि हमारे गुप्त रहस्यों को दूसरों को बताता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नाम किसी का ही नहीं रखा जाता, विभीषण संबोधन दिया जाता है। रखा जाता है कि नहीं, कि हमारे घर में बच्चा जन्मा, नाम तो बताओ जी साहब, इसका नाम विभीषण रख देना। कैसे रख देना विभीषण? आप वाले का रखो विभीषण, इसका तो नहीं रखेंगे, क्योंकि विभीषण की सत्यनिष्ठा क्यों संड थी, उसमें सवाल खड़े हो रखे थे। ऑडिट आ गया समझ में? तो आपकी अगर आइडेंटिटी धोखेबाज की, बीका दैया धोखेबाज के रूप में हम इतिहास में पढ़ते हैं, रणमल और रतिपाल धोखेबाज के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, विभीषण धोखेबाज के अंदर हम लोग उन लोगों को पढ़ते हैं। तो उनकी आइडेंटिटी, क्योंकि उनकी सत्यनिष्ठा जो संड थी, तो अगर आपकी अपने डिपार्टमेंट में सत्यनिष्ठा जो संड है, तो आप एज ए ह्यूमन बींग लाइक ही नहीं हो, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट लिखो फिर, आज अगले बढ़े आज। एक कोटेशन लिख लो, ये काम की चीज है। टू द एक्सटेंट दैट वी फेल टू लिव विद इंटीग्रिटी, टू द एक्सटेंट सीमा तक, टू द एक्सटेंट वी फेल, टू द एक्सटेंट वी फेल टू लिव विद इंटीग्रिटी, वी फेल टू लिव एज ए पर्सन, जिस सीमा तक हम लोग सत्यनिष्ठा से, जिस सीमा तक हम लोग सत्यनिष्ठा से जीने में असफल हो जाते हैं, जिस सीमा तक हम लोग सत्यनिष्ठा से जीने में असफल हो जाते हैं, उसी सीमा तक हम लोग मानव के रूप में जीने में भी असफल हो जाते हैं। टू द एक्सटेंट दैट वी फेल टू लिव विथ इंटीग्रिटी, वी फेल टू लिव एज ह्यूमन, वी फेल टू लिव एज ह्यूमन। बेसिक ह्यूमन बीइंग पे भरोसा किया जा सकता है, ऐसी बात बोली जाती है, ये मानव है, ये भरोसा नहीं तोड़ेगा। इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि यार मानव से बढ़िया तो ये कुत्ता है, अपने मालिक ये सुनता है, ऐसा तो कहा जाता है ना। यानी कि आपका संबोधन जब उस कुत्ते से भी नीचे गिरा दिया गया है, मतलब आपका मानव के रूप में जीवन असफल हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब हम लोग फुली इंटीग्रिटी के साथ में जीवन जीते हैं, तो हम लोग बेसिकली ह्यूमन बीइंग के रूप में जी रहे हैं। हमारे को टोटल 84,000 योनियां मिली है, 84,000 योनियन में से धोखे देने के लिए, डिजायर्स का भोग करने के लिए 83,999 योनियां मिल चुकी है।
जिससे हम लोग किसी में भैंस बने, किसी में गाय बने, किसी के अंदर कीड़ा बने, किसी में मकोड़ा बने, किसी में अजगर, किसी में आस्तीन का सांप, तो किसी में कुत्ता बन गए थे, बने थे मछली बन गए जिसमें के अंदर। हम लोगों को जब एज ए मानव का जीवन मिला है, तो इस मानव के जीवन के अंदर हमारे को ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सेंसफुल ग्रेटिफिकेशन ऑफ द डिजायर्स, हम लोगों को मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमारा ध्यान रहना चाहिए अर्थ पे, हमारा ध्यान रहना चाहिए काम पे, हमारा ध्यान रहना चाहिए धर्म पे, और इन सब का जो हम लोग फुलफिलमेंट करेंगे एक उचित वे के अंदर करेंगे, इंटीग्रेटेड वे के अंदर करेंगे। जब हम लोग हमारे धर्म पे चलते हैं, मतलब हम लोग सत्यनिष्ठा के साथ में चल रहे हैं, जब हम लोग अपने धर्म पे नहीं रहे, मतलब सत्यनिष्ठा से हम लोग डिगमगा गए, जब हम लोग अपनी सत्यनिष्ठा को खो देते हैं, तो हमारे साथ में वही होता है जो कुरुक्षेत्र के अंदर कौरवों के साथ में हुआ था, क्योंकि वहां पे सबकी सत्यनिष्ठा क्वेश्चन थी, धृतराष्ट्र की सत्यनिष्ठा क्वेश्चन क्वेश्चन थी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने वादा खिलाफी कर दी, क्योंकि जो वादा दिया था धृतराष्ट्र ने वो वादा निभाया नहीं, तो सत्यनिष्ठा क्वेश्चन थी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उन द्वारा कहा जाता था कि हम लोग पांडवों की हर संभव मदद करेंगे, लेकिन जब उन्हीं की पोते जी बहुओं का चीर हरण किया जा रहा था, तब वो लोग मूक दर्शक बने हुए थे, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, तो हर पापी का नाश किया जाता है, तो हर अनिष्ट व्यक्ति का, असत्यनिष्ट व्यक्ति का भी नाश होता है, क्योंकि वो मानव के रूप में जीने लायक रहा ही नहीं है। अगर आप में इंटीग्रिटी नहीं है, तो आप मानव के रूप में जीवन जीने लायक नहीं हो, आप अपने इंद्रियों के गुलाम बन चुके हो, और जो इंद्रियों का गुलाम होता है वो मानव नहीं होता है, जो इंद्रियों को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए काम लेता है, वो वास्तव के अंदर मानव है, जिसको थोड़ा सा ही जैसे जी लालच दे दिया और वो तो लप लपा जी पहुंच गया वहां तक, दैट इज नॉट अ मानव, ह्यूमन बींग्स नहीं है। आप एक अंदर बोतल के अंदर बिक जाओ, आप लाख 2 लाख रुपए के लिए बिक जाओ, ये मानव के गुण होते हैं। हमारी सेंसेस को हम लोग ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं लेके आए, हम लोग ऑलरेडी भोग के हैं 83,999 योनियों में, इस योनि में हम लोग मोक्ष की तरफ जाएंगे। हम लोग अपने डिजायर से, जैसे कान से मुझे किसी ने बुरा कह दिया और मैं अपने आप को ले लिया कि यार मेरे को कान से बुरा कह दिया, मेरे कानों ने सुना है, कानों अरे बुरा बोलते रहे, समझ में आ गया, फिर एक डायलॉग मान लिया करो कि जो बुरा तो देखन मैं चला, बुरा ने मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई, तो ये क्या मुझे बुरा बोल रहा है, सबसे बुरा तो मैं ऑलरेडी हूं। जब हम लोग सबसे बुरे ही खुद को मान लेते हैं, तो हम लोग अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं, जब हम लोग अच्छे मानते हैं, तब हम लोग बुराई की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अच्छाई में दाग आएगा, जैसे मैंने कह दिया मेरा शर्ट तो गंदा है, मतलब एक दिन धुलेगा ये शर्ट, मैंने कह दिया मेरा शर्ट साफ है, तो एक दिन गंदा होगा, समझ में आया इस बात का भाव, तो हम लोगों ने खुद को ही बुरा मान लिया, अब मैं अच्छाई की तरफ जाऊंगा, तब मैं सत्यनिष्ठा की तरफ जाता हूँ, मैंने खुद को मान लिया कि मैं तो अच्छा नहीं हूं, समझ में आ गया, तो सुधार किए जाएंगे। आ गया, नेक्स्ट लिखो फिर इसमें, और इंटीग्रेटेड इंटीग्रिटी एज स्टैंडिंग फॉर समथिंग, अब नेक्स्ट इसका फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट लिखो, इंटीग्रिटी एज स्टैंडिंग फॉर समथिंग, इंटीग्रिटी अर्थात किसी बात के लिए खड़े रहना, इंटीग्रिटी एज स्टैंडिंग फॉर समथिंग, इंटीग्रिटी एज स्टैंडिंग फॉर समथिंग समथिंग स्टैंडिंग फॉर समथिंग, यानी इंटीग्रिटी सत्यनिष्ठा का ये मतलब होता है किसी बात पे खड़े रहना, कि तू अपने बात पे है, ऐसे बोला जाता है, तू अगर उसकी औलाद है तो अपनी बात पे रहना, ठीक है ना, ऐसा बोला जाता है, नहीं बोला जाता, हाँ वो जो भी शब्द है समझ सकते हैं हम लोग, ऐसा बोला जाता है, तो अगर उस पे तो अपनी बात पे रहना, ऐसा होता है, या कि मैं इस बात के लिए जो राचे धर्म को, जो राचे दृढ़ को ताही राचे करता, दैट इज इंटीग्रिटी, कि दृढ़ता ही मेरा धर्म है, मतलब मेरी है इंटीग्रिटी है। यहाँ पे हम लोग कौरवों का सत्यानाश या विनाश नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे धर्म की रक्षा के लिए राज्य स्थापित करेंगे, तो वो बात है स्टैंडिंग रहना, अपनी बात पे खड़े रहना, समझ में आया, किसी बात पे हम लोग स्टैंडिंग फॉर समथिंग है। भगवान श्री राम ने वनवास क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो बात पे खड़े थे कि मेरे पिताजी का वादा दिया हुआ था मेरी माता को कि आप जब मांगोगी तब मैं आपको 2 वचन दे दूंगा, अब मैं वचन पे हूं मैं, ठीक है ना, तो मैं बात पे हूं, तो हम स्टैंडिंग, वो अपनी बात को बचाने रखने के लिए स्टैंडिंग थे,
भगवान श्री कृष्ण वहां पे युद्ध करवा देते हैं धर्म की रक्षा के लिए, करवाते हैं नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब किसी चीज के लिए स्टैंड लेते हैं मतलब हम लोग सत्यनिष्ठ होते हैं। स्टैंड दो प्रकार के होते हैं यहाँ पर। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, पहले हम लोग ये बात देख लेते हैं, इसके अंदर एक चीज लिख देते हैं फिर आगे समझते हैं। लिखो, इंटीग्रिटी इज प्राइमली सोशली वर्च्यू। इसी के अंदर किसी बात पर अड़िग रहे ना, इंटीग्रिटी इज प्राइमरीली है सोशल वर्च्यू। सत्यनिष्ठा मुख्यतः एक सामाजिक सद्गुण है। सत्यनिष्ठा मुख्यतः एक सामाजिक सद्गुण है जिसका निर्धारण व्यक्ति के दूसरों के साथ संबंध से किया जाता है। वन दैट इज डिफाइंड बाय ए पर्सन रिलेशन टू अदर्स। वन दैट इज डिफाइंड बाय पर्सन रिलेशन टू अदर्स, जिसका निर्धारण व्यक्ति का दूसरों के साथ संबंध से किया जाता है। सोशल वर्च्यू। इंटीग्रिटी क्या है? एक सोशल वर्च्यू। सद्गुण का मतलब अच्छा गुण, वर्च्यू बताया था सद्गुण, कुछ इंटीग्रेटेड गुण होने चाहिए आपके अंदर। तो सामाजिक गुण है ये, बताओ समाज के प्रति हमारे में क्या क्या गुण होने चाहिए? समाज के प्रति हमारे में क्या क्या गुण होने चाहिए? पहला गुण, जो समाज में किसी भी व्यक्ति को हम लोग को नुकसान नहीं पहुंचाए, ना मन से नुकसान पहुंचाए, ना वचन से नुकसान पहुंचाए, ना कर्म से, नॉट बाई थॉट्स, नॉट बाई एक्शंस, नॉट बाई इंटेंशन और नॉट बाई स्पीच। किसी भी गलत तरीके से समाज या किसी भी व्यक्ति को बुरा न कहना, तो हमेशा सत्य वचन न कहना, सत्य वचन कहना, बुरा न सुनना, बुरा न बोलना, बुरा न देखना, ये समाज के प्रति हमारी सत्यनिष्ठा दिखाती है, दिखाती ही नहीं दिखाती है। तो सोशल वर्च्यू है। समाज का कोई व्यक्ति, तो समाज के अंदर आप ऑफिसर होते हो, घर के अंदर ऑफिसर होते हो या समाज में ऑफिसर होते हो? समाज के अंदर हम लोग ऑफिसर होते हैं। तो समाज में जब ऑफिसर होते हैं तो समाज के प्रति कुछ हमारी जिम्मेदारियां होती है, उन जिम्मेदारियों को निभाना सत्यनिष्ठा होती है, इंटीग्रिटी। यानी आपने उस पर्टिकुलर पद के साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर दिया है, उसके साथ एकीकृत कर दिया है, उसके साथ में जोड़ दिया है, दैट इज इंटीग्रिटी। आपका पद ये बोलता है कि सभी लोगों के हमारे को राशन कार्ड बनाने हैं। आपने क्या कर दिया कि कहा कि राशन कार्ड की डेट निकल चुकी है, ऐसा बोल दिया, और लोगों के पास में कोई डिजिटलाइजेशन नहीं था। अब मैं तुम्हारे राशन कार्ड तो बना दूंगा, लेकिन एक एक राशन कार्ड के 1,000 रुपए लूंगा। आपने वहां पे 200 लोगों के राशन कार्ड बनाए और 2 लाख रुपए खा लिए। अब यहाँ पे उन लोगों को पता नहीं है, वो आपको दुआएं दे रहे हैं कि साहब, ग्राम सेवक जी, पटवारी जी, मिनक हो तो इससे हो, ऐसा ही आदमी होना चाहिए। उसने डेट निकलने के बाद में भी हमारी मदद कर दी। यहाँ पे आपने उनको धोखा दे दिया। आपने जो पोस्टर चिपकाया उस पोस्टर में लिख दिया 1 अगस्त 2022 तक ही था, आज 2 अगस्त हो गई, ऐसा किया। उनकी नजरों में आप सत्यनिष्ठ दिखाई दे रहे हो, लेकिन अपनी नजरों के अंदर क्या हो गया, आप धोखेबाज हो गए। बाद में जिसी व्यक्ति को, जिसने मोबाइल खोला और उसके अंदर कोई पहुंच गया उस साइट पे, उसने देखा तारीख तो भी 15 अगस्त तक चलेगी, ठीक है या नहीं है, तो आपकी सोशल वर्च्यू क्या हो गई है, खराब हो गई। आपका ये सोशल वर्च्यू रहा, ये वाइस हो गया, ये दुर्गुण हो गया आपके अंदर। तो समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती है। ईमानदारी हमारी खुद के प्रति भी होती है, समाज के प्रति भी होती है। सच्चाई खुद के प्रति भी होती है, समाज के प्रति भी होती है। भलाई खुद के प्रति भी होती है, समाज के प्रति भी होता है। सेंस ऑफ सर्विस खुद का भी होता है, दूसरों का भी होता है। जब हम लोग समाज के प्रति अपने दायित्वों को खत्म करते हैं, मतलब हम लोग अपनी सत्यनिष्ठा को खत्म कर रहे होते हैं। बेईमानी की जाती है तो किसी से पैसा लिया जाता है, तो पैसा लिया जाता है तो समाज को हम लोगों ने नुकसान पहुंचाया। जो काम एक प्रॉपर प्रोसीजर से होना था, उस प्रोसीजर को आपने डिले किया, डिले करने के बाद में उस पर एक्स्ट्रा बर्डन डाला। कोई भी व्यक्ति हमारे को पैसा देता है तो उसका जो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल सिस्टम होता है वो बिगड़ जाता है। किसी व्यक्ति ने सोचा कि मुझे ये फैक्ट्री लगानी है, आप वहां पे ऑफिसर लग रहे हो जो परमिट करता है, उस फैक्ट्री का उसने 50 लाख का बजट बनाया था, आपने वहां पे डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत कर दी और उसको आपको 10 लाख रुपए देने पड़े, तो वहां पे उसका फैक्ट्री का बजट बिगड़ गया, उसके 60 लाख खर्च हो गए। अब वो 60 लाख का भरपूर्ति करने के लिए जो कस्टमर आएंगे उनसे ज्यादा वसूल करेगा, तो आपने पूरे सिस्टम को, जो समाज का ताना बाना था, उस पूरा ताना बाना ही बिगाड़ दिया। अगर वहां पे वो 50 लाख के अंदर फैक्ट्री लगाता, टाइम पे शुरू होती और आप उसको सपोर्ट करते, कस्टमर्स को बेहतर सुविधाएं मिलती, बेहतर प्रोडक्ट्स मिलते, तो समाज का भला किसमें होता, पहली वाली बात में या दूसरी वाली बात में, सत्यनिष्ठा वाली बात में समाज का भला होता। समझ में आया कि नहीं आया? तो
तो ये जो असत्यनिष्ठ लोग होते हैं, सत्यनिष्ठ अधिकारी नहीं होते हैं, ये समाज के अंदर भ्रष्टाचार, काला धन, खूब सारी बीमारियों को जन्म दे देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है जी, कई बार बात आ गई जी हमारी स्टैंडिंग फोर समथिंग, यहाँ पे जी मैं हमेशा ही सत्यनिष्ठा के लिए खड़ा हूं, मैं एक बात पे अड़िग रहता हूं और मैं एक बार बोल देता हूं तो उसके बाद में मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, मैं हर हाल के अंदर इस बात पे कायम रहता हूं। अब क्या होता है, कई बार आपकी जो स्टैंडिंग फॉर समथिंग है या इंटीग्रिटी है, एक होती है पागल की इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ फेनेटिक, यानी अगर कोई उन्मादी व्यक्ति है उसकी इंटीग्रिटी हो जाए फिर क्या करोगे आप। उन्मादी व्यक्ति ने एक बार वादा कर दिया कि मैं इस गुंडे के साथ में हूं, तो उसके बाद में उन्मादी व्यक्ति नहीं मानेगा। जैसे इस बात को हम लोग मानेंगे, जैसे कि करण की इंटीग्रिटी से ले सकते हैं, करण की जो इंटीग्रिटी है क्वेश्चन हो जाती है, उस पर सत्यनिष्ठा पे सवाल खड़े होते हैं। करण को धर्म के साथ में खड़े होना था या विधर्म के साथ में खड़े होना था? धर्म के साथ में खड़े होना था। करण को जब भगवान श्री कृष्ण समझाने जाते हैं कि करण तू राजा बनेगा, तेरी माता भी तुझे उड़ीक रही है, आ और राजा बन जा, यहाँ पे वो पांडव जीतेंगे, तेरे को राजा बनाएंगे, जब वो राजा बनेंगे तो ये कहेंगे कि हमारे बड़े भाई साहब आ गए पास वापिस, समाज आपको एक्सेप्ट कर लेगा। करण थोड़ा सा डिस्प्यूटेड कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग करण की भी चुसंड करेंगे इस पे। करण बोलता है कि मैं उस व्यक्ति का ही साथ दूंगा जिस व्यक्ति ने मेरा सम्मान रखा। अब यहाँ पे करण की जो इंटीग्रिटी आती है दुर्योधन के प्रति, वो एक फेनेटिक की इंटीग्रिटी के अंदर हम लोग ले सकते हैं। उन्माद आ गया उसने कि अब दुर्योधन कितना ही बुरा व्यक्ति है, उसने द्रौपदी का चीरहरण कर लिया, दूसरों के भाइयों के प्लॉटों पे कब्जा कर लिया, राज ले लिया, उसके बावजूद करण का साथ देना एक फेनेटिक की इंटीग्रिटी है। और करण जब साथ देता है तो उससे पूरी पूरी पांडव सेना के सामने गड़बड़ आ जाती है। एकवान भगवान श्री कृष्ण को वहां पे इनकी मदद करने की जरूरत पड़ गई, पहिए को नीचे दबाते हैं तब करण की डेथ होती है, नहीं करण सबको वन बाई वन करके पहुंचा देता, ऊपर पहुंचा देता। ऐसा होता है या नहीं होता? अलग अलग प्रकार के वादे लिए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रपंच रचे जाते हैं। भगवान इंद्र को जाना पड़ता है, इंद्र जाके वहां पे उसे कवच और कुंडल ले आते हैं, भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और वादा ले आते हैं। यानी कर्ण के साथ में कितनी सारी दिक्कतें आई, ये प्रपंच रखने की जरूरत क्यों आई? क्योंकि कर्ण ने एज ए फेनेटिक इंटीग्रिटी अपना ली थी कि मैंने बोल दिया मतलब मैं दुर्योधन का ही साथ दूंगा। आपकी सत्यनिष्ठा ये धर्म के साथ में होती तो वहां पे लड़ाई नहीं होती। दुर्योधन उछल किस पे रहा था? करण भी तो उछल रहा है ना कि मेरे पीछे मेरे भाई साहब है, तो ही बता मुला ही ले जाता हूँ, कई छोटे छोटे डोन बन दे ना, अभी फोन करके बुलाता हूँ। हम लोग जो ये बाइक दौड़ाते हैं उस दौरान हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं पहनते, हमारे पास खुद का कुछ भी सामान नहीं है। उस दौरान हमारा सामान होता मोबाइल, मोबाइल निकालते हैं जैसे ही हमारी गाड़ी को रोकता है फोन चालू कर देते हैं, बात करो 1 मिनट, अगला फोन नहीं निकाले तो हमारे साथ में दिक्कत हो जाती है। कई बार हम लोग तारे सितारे उड़ा दूंगा मैं तेरे को, तेरा ट्रांसफर पता नहीं कहाँ पे करूंगा, तुझे पता ही नहीं होगी वैसी वैसी जगह, वो कहता है करवाओ तो सुनो। फिर हम लोग फोन करके बोलते हैं अरे तेरे मामो साहब जो काको साहब उनको तो बोल दो ना साहब। अरे कहाँ से बोलूँ, वो फोन ही नहीं उठा दे सीधा, चालान कटेगा 2 थप्पड़। कई बार भिड़ लेते नहीं भिड़ लेते तो फेनेटिज्म हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो इसमें फेनेटिक इंटीग्रिटी में क्या होता है, डिजायर्स और जो इच्छा शक्ति होती है वो एक साथ मिल जाती है। ठीक है ना, फेनेटिक इंटीग्रिटी में ये समझने की चीज समझ लो एक बार, है ना। और जो फेनेटिक नहीं होता, जो रियल मायनों में इंटीग्रेट होता है, उसमें डिजायर्स नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती। हम लोग इच्छाओं के बस में आके काम नहीं करते। हम लोग इसलिए ईमानदार नहीं है कि मुझे समाज ईमानदार कहे, हम लोग इसलिए ईमानदार है कि ईमानदार होना आपका एक मॉरल वर्च्यू है। दो तरीके रहते हैं कि मुझे समाज में पता रहना लगना चाहिए मैं ईमानदार हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ। कई बार हमारे से लोग पूछते हैं, हम लोग भी पूछते हैं लोगों से, मैं वास्तव में बहुत बढ़िया आदमी हूँ, ईमानदार आदमी हूँ, पूछते ही नहीं पूछते आपको क्या लगता है मेरे जैसे वास्तव में बढ़िया हूँ या नहीं हूँ। उस दौरान होता है तो किसी व्यक्ति के द्वारा अगर हमसे कहा जाए कि तेरा वास्तविक रूप तब पता लगेगा जब तेरे पास में पावर आएगी, पैसा आएगा, आज तू गरीबी के दिन के अंदर है, और गरीबी में तो सभी गाय होते हैं, अल्लाह मियाँ जी गाय, यानी गरीबी और कमजोरी के अंदर हर कोई अच्छा इंसान होता है। वास्तविक इंसान का चेहरा तब पता लगता है जब उसके पास में पावर आता है, पैसा आता है। तो आप गरीबी में हो तो स्याणे हो, आप सत्यनिष्ठ हो आप परिस्थितियों बस सत्यनिष्ठ हो। कई बार ये भी सवाल रहते हैं, आपके पास में जैसे ही पावर आया तो आपके पास में पैसा दिखाई देता है, इधर भी पैसा उड़ रहा है, उधर 2 लाख उड़ रहे, इधर 3 उड़ रहे, इधर 4 लाख उड़ रहे। हम लोगों को फिर इच्छाएं करती है, हाथ करता है हमारा, एक मन करता है उनको रोक लूं, दूसरा हाथ बोलता है नहीं लपक लूं,
ऐसे इच्छाएं रहती है। उस दौरान अगर आप ईमानदार बने हुए हो, मतलब आप वास्तव के अंदर सत्यनिष्ठ हो, अदरवाइज आप सत्यनिष्ठ नहीं हो। ये फेनेटिक के साथ में दिक्कत आ जाती है। फेनेटिक ने अगर गुंडों का साथ दे दिया तो वो उन्हीं का साथ देगा। इंटीग्रिटी उसकी है, इसका वफादारी है, बड़ी खतरनाक चीज होती है। एक बार इसकी लत लग जाती है फिर छूटती नहीं। मामा आप अपनी कालीन भैया के साथ निभाओ और हम अपनी गुड्डू भैया के साथ में निभाएंगे। वो बेसिकली इंटीग्रिटी है, फेनेटिक्स की इंटीग्रिटी है। मरना मंजूर है, अपने भांजे को मारना मंजूर है, मामा को मारना मंजूर है, लेकिन विश्वासघात करना मंजूर नहीं होता। ये इंटीग्रिटी होती है। समझ में तो आ रहा है ना, ये फिलोसॉफिकल बेसिस है, क्योंकि दर्शन के अंदर यही बातें की जाएगी। और अपने समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब लिखो इसमें, इंटीग्रिटी इज मॉरल पर्पज, इंटीग्रिटी इज मॉरल पर्पज, सत्यनिष्ठा नैतिक उद्देश्य के लिए, सत्यनिष्ठा नैतिक उद्देश्य के लिए, फॉर मॉरल पर्पज, मॉरल पर्पज, सत्यनिष्ठा मॉरल पर्पज के लिए। इसमें लिखो ऑब्जेक्टिव इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य पूर्ण सत्यनिष्ठा, ऑब्जेक्टिव इंटीग्रिटी। देखो ऑब्जेक्टिव इंटीग्रिटी इसका मतलब लिखो, वन प्रॉपरली, वन ओनली प्रॉपरली, वन ओनली प्रॉपरली एस्क्राइब्स इंटीग्रिटी, वन ओनली प्रॉपरली एस्क्राइब्स, एस्क्राइब्स, वन प्रॉपरली, वन ओनली प्रॉपरली एस्क्राइब्स इंटीग्रिटी टू ए पर्सन, इंटीग्रिटी टू ए पर्सन विथ होम वन फाइंड्स वन सेल्फ कंप्लीटली इन मॉरल एग्रीमेंट, विथ होम वन फाइंड्स वन सेल्फ कंप्लीटली इन मॉरल एग्रीमेंट। एक व्यक्ति के द्वारा पूर्णतः सत्यनिष्ठा उसी में दिखाई जा सकती है, एक व्यक्ति के द्वारा पूर्णतः सत्यनिष्ठता उसी में दिखाई जा सकती है जिसके साथ वह नैतिक संविधान में बंधा हुआ है, जिसके साथ वह नैतिक संविधान में बंधा हुआ है। वन ओनली प्रॉपरली एस्क्राइब्स इंटीग्रिटी टू ए पर्सन विथ होम वन फाइंड्स वन सेल्फ कंप्लीटली इन मॉरल एग्रीमेंट, कंप्लीटली इन मॉरल एग्रीमेंट। तो मॉरल एग्रीमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब क्या होता है कि जब नाजी जीनोसाइड की बात करते हैं हम लोग, उससे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। नाजी का मतलब समझ में आता है, हिटलर एक चांसलर होता है जर्मनी का, उसने जो यहूदी लोग हैं यहूदियों का जीनोसाइड करवाया था। हिटलर को लगता था जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो हार का कारण है वो यहूदी लोग हैं, इसलिए हिटलर ने क्या किया, यहूदियों को ट्रेनों के अंदर डाला और उनको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया करता था। और कंसंट्रेशन कैंप में ले जाके वो देखता वहां से जो बूढ़े लोग होते हैं उनको कहता कि बाबू सा नाचो, नहाओगे आप? तो वो कहते नहीं हम लोग, तो उनको कि एक काम करो इधर ले चलो इनको साइडों में करते। जो जवान लोग होते हैं उनको बोलते हैं इधर साइड में चलो काम करवाएंगे तुमसे। बच्चों को एक साइड में कर दिया था, महिलाओं को एक साइड में कर दिया जाता। जो बूढ़े लोग होते हैं उनको बाथरूम के अंदर भेज दिया जाता है कि नहालो धोलो आराम से काम कर लो। गेट बंद कर दिए जाते, गेट के अंदर कोई भी बाहर गैस नहीं आ सकती, ऐसे गैस चैम्बर बनाए हुए थे। बाद में कहा जाता एकदम से पानी चालू करेंगे आराम से तैयार होते रहो, गैस चालू निकलती, जैसे ही फंवारा चालू होता, फंवारा चालू होते उसमें से पानी की बजाय गैस निकलती और इस गैस के अंदर जो भी व्यक्ति नहा रहा होता उसे फफोले आते हैं और 2-4 मिनट के अंदर उसे तड़प के डेथ हो जाती। जो जवान लोग थे उनसे काम करवाया जाता, काम करने के बाद उनको खाना प्रॉपर खाना नहीं दिया जाता, 2-4 महीने के अंदर वो कमजोर हो जाते। उसके बाद में देखा जाता है एक काम करते हैं इसको भी ले जाते हैं और कंसंट्रेशन कैंप में पेट कर देते हैं, नालो वहां पे यानी अंतिम स्नान करवाए जाते थे, गैस से गैस चैम्बर बना लिए। अब ये हिटलर तो था, ये विचार हिटलर का है, लेकिन करवाने वाले लोग तो दूसरे हैं। उसी पर्टिकुलर पूरी जो नाजी की सेना है वो काम करवाती थी, वहां पे हिटलर थोड़ी आता था मारने सबको। हिटलर आदेश दे रहा है, उस आदेश को मानने वाले फेनेटिक लोग हैं। उन लोगों ने ये मान लिया था कि हमारे द्वारा यहूदियों को मारा जाना एक प्रकार से मॉरल एग्रीमेंट है,
तब फिर बात आती है कि जो इंटीग्रिटी होती है उस इंटीग्रिटी की एक मोरालिटी भी होती है। ये तो फेनेटिक इंटीग्रिटी होगी कि आपको एक पागल व्यक्ति ने, एक पागल जो भी हिड़केड़ा कुत्ता होता है, हिड़के हुए व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया, क्योंकि हिटलर वैसे हिड़का हुआ था, पागल था एक, था उसने बोल दिया आपको और आप उसकी कहना मान रहे हो और लोगों को ऐसे ही मारते जा रहे हो। जिन लोगों के साथ में आप 2-4 साल पहले साथ में रहा करते थे, जिनके घरों पे काम किया करते थे, जिनके साथ में काम किया करते थे, भाई बहन माना करते थे, दोस्त माना करते थे, उनको आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे मार रहे हो एक व्यक्ति के कहने पे। उस दौरान आपकी इंटीग्रिटी का इस कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आपका उद्देश्य हमेशा मॉरल एग्रीमेंट के आधारित होना चाहिए। आपकी ऑब्जेक्टिव इंटीग्रिटी में क्या है कि एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ में बातों में बंध जाता है, लेकिन अगर वो वास्तव में आपको उस व्यक्ति के साथ में बातों में बंधना है या किसी रिलेशन में बंधना है, तो वो रिलेशन मॉरल एग्रीमेंट पे आधारित होना चाहिए, तब तो सत्यनिष्ठता है। वो रिलेशन मॉरल एग्रीमेंट पे आधार पे नहीं था तो वो सत्यनिष्ठता नहीं है। और मॉरल एग्रीमेंट के अंदर धोखेबाजी नहीं होती है, वहां पे डिसीविंग नहीं होती है, वफादारी होती है, किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं होती है, मन में कुछ और होता है, कहने को कुछ और होता है, वो सत्यनिष्ठा में नहीं आता। आ गया समझ में? तो वफादारी होनी चाहिए, लेकिन मॉरल एग्रीमेंट के आधार पे होनी चाहिए, तब हम लोग मान लेते हैं कि जो इंटीग्रिटी होती है उसका आधार एक मॉरल पर्पज होता है। ये इंटीग्रिटी के अलग अलग क्या थे, आधार थे। अब देखते हैं हम लोग इंटीग्रिटी को थोड़ा सा अलग वे में, बताओ। जल्लाद सत्यनिष्ठ है, उस व्यक्ति को फांसी दी जा रही है जो व्यक्ति अब जीने के लायक नहीं है, उस व्यक्ति का अब इस धरती से चले जाना ही बेहतर है। एक न्याय व्यवस्था के तहत, एज पर अ जुडिशियल सिस्टम, एज पर अ जस्टिस सिस्टम, इफ एनी पर्सन टेकिंग अ लाइफ ऑफ एनी पर्सन, देन दैट पर्सन इज रियल इंटीग्रेट पर्सन। न्याय क्योंकि आपने शासन को एक्सेप्ट किया है, उसके अनुसार चलता है। राजा शासन करता है वैसे न्याय नहीं चलता है। लोकतंत्र को हम लोगों ने माना, इसलिए लोकतंत्र चल रहा है। हम जो भारतीय जनता अगर चाहेंगी यहाँ पे राजतंत्र होना चाहिए तो भारत में राजतंत्र आ जाएगा। हम लोग जाएंगे, हम लोग गुलाम होना चाहते हैं अंग्रेजों के तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे। हम लोग चाहेंगे, हम लोगों को लोकतंत्र चाहिए, हम लोगों को जैसा चाहिए वैसा राज मिल जाता है, जैसी जनता होती है वैसा ही उनको राजा मिलता है, और हम लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड है। आर्टिकल 21 कहता है कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ एनी पर्सन शैल नॉट बी टेकन विदाउट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। उस आर्टिकल 21 को बनाने वाले वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, हम लोग ही तो हैं उसको बनाने वाले, कि एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित किया जा सकता है, उसकी लिबर्टी को प्रवंचित किया जा सकता है। तो विधि की प्रक्रिया ये बोलती है कि अगर कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम कर दिया है, रेरेस्ट टू रेरेस्ट क्राइम कर दिया है, और उस व्यक्ति का अब जिंदा रहना सही नहीं है समाज के लिए, वो खतरा बन सकता है, उस व्यक्ति का एक पर्टिकुलर प्रक्रिया के द्वारा जान ले लेनी चाहिए। तो भारत के अंदर वो प्रक्रिया है फांसी की सजा। फांसी की सजा के लिए हम लोगों के द्वारा एक जल्लाद अपॉइंट किया जाता है, उस जल्लाद के द्वारा बाद में फांसी लगाई जाती है। तो जल्लाद को जो टास्क दिया गया है, जल्लाद के लिए सत्य है फांसी लगाना, और उस ऐसे राज्य की व्यवस्था जो मोरल राज्य है, ऐसे लोगों को फांसी लगाई जाती है जो वास्तव में अक्यूज्ड है। हर किसी राह चलते व्यक्ति को फांसी नहीं लगाई जाती, बिकॉज देयर इज अ रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, नो पर्सन शैल बी लाइबल फॉर एनी पनिशमेंट विदाउट ब्रीच ऑफ लॉ, बिना अपराध किए आपको सजा नहीं दी जाएगी, ऐसा कानून है हिंदुस्तान के अंदर। तो यहाँ पे उस कानून को बनाए रखने के लिए अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जान ली जाती है, वो सत्यनिष्ठा है। जान तो सैनिक भी लेते हैं, तो सैनिक के द्वारा किसी की जान लिया जाना सत्यनिष्ठा है या नहीं है? सत्यनिष्ठा नहीं है, सत्यनिष्ठा ही है, क्योंकि हमारी जो सीमाएं हैं उसको बचाने के लिए हम लोग बाहरी इंट्रूडर को रोक रहे हैं हम लोग। तो वहां पे सैनिक के द्वारा अपनी सत्यनिष्ठा वही है जहां पे वो जान ले ले। अगर सैनिक ने जाने नहीं लिए तो बाहर वाले अंदर घुसेंगे और बाद में नागरिकों की जान लेंगे, कह तो वो 26/11 करेंगे या 9/11 करेंगे, धमाके करेंगे या नहीं करेंगे। तो उन लोगों को मारना किसी भी प्रकार से अनैतिक नहीं है, उनको नहीं मारना सत्यनिष्ठा के खिलाफ है। तो पुलिस के द्वारा अगर कोई भी अपने व्यक्ति दिखता है, उस व्यक्ति को जी आतंकवादी है तो मार दो उसको, गोली ठोक दो। फौजियों को दिखता है तो गोली ठोक दो, वो उनकी सत्यनिष्ठा होती है। इतना ही था।
हिटलर के द्वारा अनैतिकता है, हिटलर के द्वारा खुद ये नागरिकों को मारा जा रहा है, खुद ये अपने ही लोगों को मारना सत्यनिष्ठा थोड़ी होगी। अब वही के आप साथ में रहे हो हिंदुस्तान के अंदर, बोलते हैं जी इस ग्रुप को मारना स्टार्ट कर दो, इस ग्रुप को मत मारना स्टार्ट करो, यानी आप अपने साथी संगियों को ही मार दोगे, जिनके साथ में आपको फ्रेटर्निटी फैलानी है उनको आप मारने चलते हो, वो सत्यनिष्ठा, वो फेनेटिक की सत्यनिष्ठा हो जाएगी। हम लोगों ने तभी तो उस क्या बोलते हैं उसको, फेनेटिक की सत्यनिष्ठा देखी है ना अभी थोड़ी देर पहले, ले उन्मादी व्यक्ति की सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी ओवर फेनेटिक, वो तो वैसी हो जाएगी। वहां पे मोरल कैरेक्टर नहीं होता, इंटीग्रिटी में मोरालिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मोरालिटी का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे आपको शांति स्थापित करनी है, आप किसी को मार नहीं रहे हो। हम लोग जब फांसी देते हैं तो राह चलते व्यक्ति को फांसी नहीं दे देते, अपराधी को फांसी दी जाती है, और ऐसे अपराधी को फांसी दी जाती है जो अपराधी समाज के लिए बाद में खतरा बन सकता है, उसका जिंदा रहना ही अब सही नहीं है। इसीलिए तो हमारे जितने जैसे डीजे कोर्ट, सेशन जज से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति तक जाती है, राष्ट्रपति जब नकार देते हैं मतलब ये जीने लायक व्यक्ति नहीं है, खतरा है मानवता के लिए। वेन अ पर्सन बिकम डेंजर टू ह्यूमेनिटी देन ही शैल बी हैंग्ड, उसे फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। और जो लटकाता है जल्लाद पवन, एक फेमस जल्लाद का नाम है, क्या नाम है जल्लाद, ठीक है, वो एक पूर्ण सत्यनिष्ठ व्यक्ति है और उनको हमारे को सैल्यूट करना चाहिए। फांसी लगाना छोटा मोटा काम थोड़ी है, कट लगाई देखना कभी छोटा मोटा भी, ठीक है ना, जोर आ जाता है अपने को, वो तो फांसी लगा रहा है। अब देखेंगे हम लोग की हमारे जो एग्जाम रहते हैं उन एग्जाम में सवाल किस टाइप के आते हैं, अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं। बेसिकली इंटीग्रिटी हमारे समझ में आ चुकी है, अब सवालों को देखेंगे। आज एक सवाल देख लेंगे, बाकी बाद में सवाल देखेंगे। लिखो, वारेन बफेट कहते हैं, वारेन बफेट नाम सुना है, दुनिया के अमीर लोगों में से एक। ये आईएएस के अंदर 20 नंबर का सवाल आया था, 2018 का जो आईएएस का पेपर है वो देखना है, इसका इथिक्स का, उसे 20 नंबर का सवाल था, 250 शब्द लिखने थे उसमें। वारेन बफेट कहते हैं, अगर मैं किसी व्यक्ति को नौकरी पे रखता हूं, अगर मैं किसी व्यक्ति को नौकरी पे रखता हूं, नौकरी पे रखता हूं, तो उसमें तीन क्वालिटीज होनी चाहिए। पहली सत्यनिष्ठता, बुद्धिमता और ऊर्जा। इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर, इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर, लुक फॉर थ्री क्वालिटीज, इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर, लुक फॉर थ्री क्वालिटीज, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस, एनर्जी। अगर मैं किसी को नौकरी पर रखता हूं तो उसमें तीन क्वालिटीज गुण होने चाहिए, सत्यनिष्ठता, बुद्धिमता, ऊर्जा। यदि उसमें सत्यनिष्ठा नहीं है तो बाकी ये दोनों गुण मेरे संगठन को खत्म कर देंगे। इंटेलिजेंस, एनर्जी, लास्ट में एनर्जी। अगर उसमें सत्यनिष्ठा नहीं है तो बाकी के दोनों गुण मेरे संगठन को खत्म कर देंगे, एनर्जी। एंड इफ दे डोंट हैव द फर्स्ट, द अदर टू विल किल यू। इफ दे डोंट हैव द फर्स्ट, द अदर टू विल किल यू, वॉरेन बफेट। पहले इन्होंने गुण बनाया सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी किसी भी व्यक्ति को हम लोग हमारे संगठन के अंदर हायर करते हैं तो इंटीग्रिटी होनी जरूरी होती है। क्यों इंटीग्रिटी जरूरी होनी होती है? क्योंकि वो एक तो इंटीग्रिटी है मतलब ऑनेस्ट है, वो क्या है, ऑनेस्ट है, सही है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट है मतलब वो ईमानदार रहेगा, जैसा कहेगा वैसा सोचेगा, जैसा सोचेगा वैसा करेगा, ठीक है। उसकी स्पीच, उसके थॉट एंड उसके एक्शन के अंदर कंप्लीट हार्मनी है, वो रियल है, क्या है, वो रियल है, वास्तविक में। ही इज नॉट प्रिटेंडिंग समथिंग एल्स, ही इज प्रिटेंडिंग एज वॉट ही इज रियल, कि वास्तव में जो व्यक्ति है वैसा ही वो अपने आप को दिखा रहा है, ना कि वो अपने आप को ऐसा दिखा रहा है कि वो जो नहीं है, ऐसा हम लोग प्रिटेंड करते हैं। इसीलिए हमारे जो पौराणिक धारावाहिक आया करते थे उसके अंदर भेष बदलना, उसमें प्रिटेंड करना होता है, रावण के द्वारा प्रिटेंड किया जाना जी मैं तो साधु संन्यासी हूं और माता सीता अगर आपने मुझे भिक्षा नहीं दी तो मेरे हाथ में कमंडल है, मैं अभी यहाँ पे श्राप डाल दूंगा, भिक्षा हम देंगे।
वहां पे प्रिटेंड किया गया रावण के द्वारा कि मैं एक साधु हूं, मतलब ही वॉज नॉट सत्यनिष्ठ, ही वॉज नॉट इंटीग्रल बिकॉज ही वॉज नॉट रियल। जैसे जो मृग थी, मृग की इच्छा के लिए माता सीता ने भगवान श्री राम को कहा था मेरे को सोने का मृग चाहिए, हिरण चाहिए। जो हिरण है वो खल और दूषण थे या नहीं थे? तो जो मृग है वो वास्तविक था या गलत था? गलत था। जब हमारी सुपर्णिका आती है, सुपर्णिका आती है तो बेहतरीन वेश बना के आती है सुपर्णिका, और बोलती है भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से जी मुझसे विवाह कर लो। तो लक्ष्मण जी को जस्ती नहीं कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं, मेरे पीछे मत पड़, मना करते हैं लक्ष्मण जी, लेकिन सुपर्णिका मानती नहीं। सुपर्णिका ने रूप धारण कर रखा है बहुत ज्यादा सुंदर स्थिति का, लेकिन जो लक्ष्मण जी है उनकी सत्यनिष्ठता है उर्वशी के साथ में, कि उर्वशी मेरे प्रति सत्यनिष्ठ है। उर्वशी का नाम उर्मिला, उर्वशी उर्मिला, ठीक है ना, सॉरी उर्वशी नहीं है क्या, उर्मिला नाम था उनका, ठीक है ना, क्योंकि उर्मिला मातोंडकर ने गाना गाया था उस हिसाब से ये याद रह गया, ठीक है ना, उर्वशी अप्सरा थी, उर्मिला नाम है उनका, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड। हाँ ऐसे ही थोड़ा सा अटेंटिव रहा करो, जहां भी आता सब मिलके पढ़ते हैं तो एकदम बेहतर पढ़ाई होती है, होती कि नहीं होती? और आज रीना एक्शन के अंदर है, ठीक है ना, वास्तविक रूप है आज। कौन सा रूप है? वास्तविक रूप है। तो यहाँ पे वो सत्यनिष्ठ रहते हैं, सुपर्ण का उनको प्रिटेंड करवा रही है, लेकिन वो मना कर देते हैं। जब नहीं मानती तो उनका नाक काट देते हैं, कान काट देते हैं, उसको ऐसा बना देते हैं कि तू, तेरे को ज्यादा सुंदरता पे गर्व है ये काट देते हैं, तेरे तो नू तो काटेगी नहीं तू। सुपर्ण का मतलब होता है लंबे नाखूनों वाली, जैसे छाजले जैसे नाखून होते हैं ना, जैसे लंबे, ठीक है, वैसे नाखूनों वाली, तो नू काटेगी। तो फैशन डिजाइनर थी सुपर्ण का उस जमाने की, ठीक है ना, जो लंबे लंबे जैसे मॉडल हुआ करती थी, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है सूरा किताब नाम की, उसके अंदर पहली पहली, जब मैं पढ़ने आया यहाँ पे तो पहली किताब हम लोगों ने कोर्स ही नहीं पढ़ी थी, पहली पहली किताब पढ़ी थी असुरा, उसके अंदर ये खूब सारी स्टोरीज है रावण से, जी रावण का पॉजिटिव पॉइंट दिखाया गया है। अब हो गया, तो वो रियल नहीं है, तो अलग अलग प्रिटेंड करवा दिए जाते हैं। ऑनेस्ट पर्सन है तो आप ऑनेस्ट इंटीग्रेटेड हो, ऑनेस्ट हो, रियल हो, समझ में आ गया। फिर क्या होगा कि आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट है वही आपके प्रोफेशनल इंटरेस्ट हो जाते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट प्लस प्रोफेशनल इंटरेस्ट, प्रोफेशनल इंटरेस्ट, वो दोनों क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ऑनेस्टी के अंदर ये फायदा होता है कि आप अपने अलग हित नहीं देखोगे कि मेरे को इस कंपनी से क्या फायदा है, आप ये देखोगे कि मेरे से इस कंपनी को क्या फायदा है। दो अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, मैं इनके साथ में क्यों रहूं, मेरा क्या फायदा है, तेरे को क्या फायदा, क्यों रहता है तू, मेरा क्या फायदा है इनके साथ में रहने, ये नहीं कि मेरे साथ में रहने से इनको क्या फायदा है। यहाँ पे फिर निकोमानी नीतिक्स काम करती है कि जब आप दूसरे का भला सोचते हो तो सुख ऑटोमेटिकली आपको बाय प्रोडक्ट के अंदर मिल ही जाता है, यहाँ पे इस स्थिति में कोई दिक्कत नहीं आती। तो किसी भी कंपनी को, किसी व्यक्ति को हायर करना है तो वो कंपनी का भला पहले सोचे, उसके लिए कंपनी फर्स्ट है। कौन फर्स्ट है? जैसे होता है नेशन फर्स्ट, वैसे रहेगा यहाँ पे कंपनी फर्स्ट रहेगी, नेशन फर्स्ट है उसके लिए। तो जब एक व्यक्ति में केवल कितना गुण है, एक गुण है, और ये बाई प्रोडक्ट के इतने सारे गुण मिल रहे हैं हमारे को साथ के अंदर, तो इस व्यक्ति को हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक तो ये गुण आ गया हमारे। ऐसे ही हमारी जो लोक सेवाएं रहती है, सिविल सर्विसेज रहती है, उसमें भी सिविल सर्वेंट में ये गुण होना चाहिए। आप ऑनेस्ट हो मतलब आप भ्रष्टाचार नहीं करोगे, कोई काला धन नहीं होगा, किसी प्रकार का करप्शन नहीं होगा। आप रियल हो, रियल हो मतलब जैसे हो वैसा दिखाओगे, जनता के सामने भी रियल रहोगे, अधिकारियों के सामने भी रियल रहोगे, लेकिन साहब के पास में जाके झुक रहे हो, जनता के सामने दादागिरी दिखा रहे हो, वैसा व्यवहार नहीं करोगे। आपका हित, आपके जो प्रोफेशन है वो पद आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए एसपी का पद महत्वपूर्ण है, एसडीएम का, तहसीलदार का, जिस भी पद पे आप हो वो महत्वपूर्ण है, ना कि मेरे को क्या फायदा है। क्या आप लोग उस सरकार की गाड़ी का उपयोग खुद के बच्चे को लाने को ले जाने में खर्च नहीं करोगे, अपनी मम्मी को घुमाने में खर्च नहीं करोगे, आप लोग उस गाड़ी का उपयोग करोगे सरकार के काम के लिए करोगे, आपकी तनख्वाह से अलग गाड़ी खरीदोगे, उसके अंदर ही उनको छुड़वाओगे, आप अपने पद का दबदबा नहीं दिखाओगे, टोल में से जाओगे तो टोल बकायदा पे करके जाओगे, ठीक है, तब आप सत्यनिष्ठ हो। वहां पे कुछ एग्जेम्प्टेड लोग होते हैं वही फ्री होते हैं, बाकी सबको देना होता है, बाकी तो सब दादागिरी से जाते हैं कि हम लोग टोल नहीं देंगे, ऐसा रहता ही नहीं रहता। तो ये फायदा हो जाएगा, फिर आपके लिए आपका पद महत्वपूर्ण है, नेशन फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट रहेगा। अगर किसी सैनिक में भर्ती, किसी सेना में किसी अधिकारी को हम लोगों ने भर्ती कर लिया,
भर्ती करने के सामने से गोलियां आ रही, अरे गोली मेरे लग गई तो क्या होगा, मेरे को किसी को नहीं बचाना है, मुझे खुद को बचना है। हम लोग जाके पत्थर के नीचे बैठ गए, जो बाहरी लोग थे वो अंदर आ गए, अंदर आ गए सबको मार रहे हैं। ऐसे अगर सैनिकों को हम लोगों ने भर्ती कर लिया तो देश हमेशा महफूज रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसीलिए इस इंटीग्रेटेड लोगों की जरूरत होती है। जो सत्यनिष्ठ होता है जान दे देता है अपनी। जब शेर शाह विक्रम बत्रा के सामने ये लगता है कि जब मैं सामने जाके घोड़ा नहीं फेंकूंगा तो वो कई दिन तक उस जगह पे रहेंगे और वहां से सीधा निशाना बनाते रहेंगे नीचे वाले सैनिकों के। उसने कहा कि जो साथ में उसके साथ में फौजी थे, सैनिक थे, वो सैनिक बोलते हैं साहब मैं चला जाता हूँ आगे। अरे रुक, तेरा परिवार है घर पे, टाबर टोली है, अपना कोई नहीं है, हम आजाद हैं, ठीक है ना, और लीडर की जिम्मेदारी है पहले मैं जाके लड़ूं। वो हाथ में घोड़ा लेते हैं, कूद जाते हैं, एक गोला फेंकते हैं, बाद अंदर गोलियां लग जाती है, पहले गुद गोली खाते हैं, तब विक्रम बत्रा शेर शाह बनते हैं, परमवीर चक्र लेते हैं। ये दिल मांगे मोर विक्रम बत्रा का है। तो वहां पे वैसे इंटीग्रेटेड ऑफिसर्स होने जरूरी होते हैं, कंपनी फर्स्ट नेशन फर्स्ट। ये बात वॉरेन बफेट ने बता दी। उन्होंने कहा दो गुण और होने चाहिए। कौन कौन से? एक आप इंटेलिजेंट होने चाहिए। इंटेलिजेंट मूड व्यक्ति को नहीं लेंगे हम लोग, इसको लेंगे इंटेलिजेंट। ये लिख लोगे ना इसमें आंसर राइटिंग में लिखाऊंगा फिर, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट व्यक्ति होना चाहिए। उसे समझ में आनी चाहिए, उसकी बुद्धि होनी, जो कहा जाए उसे समझ में आ जाए। वो बार बार है, ऐसे नहीं करे हैं। और बताओ एक बार, ठीक है, और बार, एक बार और बता दो, और बता दो एक बार, ऐसे नहीं, एक दो बार में उसे समझ में आ जाना चाहिए। उसको कहा जाता है ये काम है तेरे को करना, मेरे समझ में नहीं आया ये तो, ठीक है। इंटेलिजेंट होना, स्किलफुल होना जरूरी होता है, कि आप में स्किलफुल, स्किल की नेहत जरूरी होती है, कि आप में स्किलफुल है। हिंदी आती है तो हिंदी समझ में आता है, अंग्रेजी तो अंग्रेजी, सब चीजें समझ में आ जाती है। तीसरा गुण होना जरूरी है आपके अंदर, एनर्जी, ऊर्जावान होना जरूरी है, ऊर्जावान होना जरूरी है। आपको कहा जाए कि यार जाके ये काम कर दिया था, मेरा सोने का टाइम हो गया, मैं सोता हूँ अभी, एनर्जी नहीं, आप बिल्कुल ही एनर्जी है ही नहीं बिल्कुल, थोड़ा सा पानी तो पिलाता हूँ आप, ठीक है ना। आपको कहा जाए कि कल शाम तक ये काम सल्टा देना, नहीं, 3 4 दिन लगेंगे इसमें काम में, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। यानी आप खुद तो डल हो, पूरे संगठन को भी आपने डल बना दिया। अब मेरा सोने का टाइम हो गया, मैं ऑफिस में भी सोता हूँ, घर पे भी सोता हूँ, सब जगह सोता हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं खोता हूँ, खोती तो कंपनी है, ऐसा रहेगा। तो आप में अगर एनर्जेटिक व्यक्ति है, भाग भाग के काम कर रहा है, जी सर मेरे को बताओ काम, ये काम है, लो मैं काम करके आ जाता हूँ, और दूसरा काम बताओ, ये भी मैं काम, फाइलें मैं कंप्लीट कर दूंगा, ये टास्क मैं कंप्लीट कर दूंगा, सारे काम कंप्लीट कर दिए जाते हैं। लेकिन अब वॉरेन बफेट आगे बढ़ते हैं, तो तीन गुण होने चाहिए, आप एनर्जेटिक भी हो, इंटेलिजेंस भी हो, और इंटीग्रिटी है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि साहब हो तो तीनों होने चाहिए, अगर तीनों नहीं है तो वो सिलेक्शन के लायक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये दोनों गुण तो है, वो इंटेलिजेंट व्यक्ति भी है, एनर्जेटिक व्यक्ति है, लेकिन अगर उसमें इंटीग्रिटी नहीं है तो ये समझो थे तो गया, आपका जो संगठन है वो गया हर हाल के अंदर। क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो बुद्धि के अंदर पहले ये सोचता है कि मेरा क्या फायदा। बुद्धिमान पर लोगों के साथ में ये दिक्कत रहती है, और संगठन का फायदा सोचने से पहले खुद का फायदा सोचते हैं कि संगठन में आने से मुझे क्या क्या फायदे रहेंगे, ऐसा होता है। उसके अलावा ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है जल्दी सीख जाएगा, मैं तो यहाँ पे सीखने आया था, अब मेरे को इससे लेना देना क्या है, मैं सीख के चला जाऊंगा, मैं अपना खुद का संगठन स्टार्ट कर लूंगा। बुद्धिमान व्यक्ति हर्षद मेहता, स्कैम 1992, मैं तो कुछ सीखने आया था, क्योंकि वो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इंटीग्रेटेड व्यक्ति नहीं है। हर्षद मेहता जी साथ में दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि उसमें सत्यनिष्ठा की कमी थी। वो बुद्धिमान है, एनर्जेटिक है, रात और दिन काम करता है, तो जल्दी जल्दी चीजें सीखेगा। संगठन के जितने भी काम थे वो सारे सीख गया वो। अब संगठन के प्रति वफादारी नहीं है तो वो कोई तो खुद का संगठन खड़ा कर लेगा, या आपके संगठन की जो भी जानकारी रहेगी वो जानकारियों को उस व्यक्ति के द्वारा भेज दिया जाएगा। जब ऐसा कर दिया जाएगा तो आपका संगठन खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो पहला ही पहला गुण होता है, किसी भी व्यक्ति को अपने साथ में रखो या अपनी कंपनी में काम दो तो उसके अंदर गुण होना चाहिए इंटीग्रिटी का। इंटेलिजेंस बाद में सीखी जा सकती है, इंटेलिजेंस सीखी जा सकती है, इंटीग्रिटी अगर उसमें नहीं है तो वो व्यक्ति हमेशा आपके लिए नुकसानदायक है। एनर्जी आ जाएगी थोड़ा सा, कई बार क्या होता है कि आलसी व्यक्ति भी चल जाएगा, जैसा कि बोलते हैं कौन, बिल गेट्स बोलते हैं कि अगर मुझे किसी व्यक्ति को हायर करना हो तो मैं एक आलसी व्यक्ति को हायर करूंगा। लोगों ने पूछा कि सर ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि आलसी व्यक्ति होता है वो काम करने का सबसे तेज और आसान तरीका खोज लेता है,
क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता, तो हम लोग उस कोटेशन इसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी में एनर्जी की कमी है लेकिन वो सत्यनिष्ठ है, आपके संगठन के लिए वो जान दे जाते हैं वो लोग। इसलिए वफादार लोगों के साथ में बड़ी समस्या होती है कि उनकी वफादारी दिखती नहीं है, वो एनर्जेटिक नहीं होते, पड़े पड़े रहे लेकिन संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जान लगा देंगे। इंटेलिजेंस व्यक्ति होनी चाहिए, नहीं है तो सीखी जा सकती है, करत करत अभ्यास की जड़ में होते सुजान। जब हम लोग FW टेलर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे रूल ऑफ थंब कि रोजाना एक व्यक्ति को कहा जाए लाइट ऑन कर लाइट बंद कर, लाइट ऑन कर लाइट बंद कर। मुझे हायर किया गया कि तुम्हें बल्ब जलाने बल्ब बंद करने, ये आज हमारे लिए मजाक की बात हो सकती है। पहली बार जब ये फटका आया था उस जमाने के अंदर अपने आप में बड़ी बात थी, इवन सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को हायर भी किया जाता था कि आपको मोटर ऊपर करनी है मोटर नीचे करनी है, बल्ब चालू करना है बल्ब बंद करना है। तो मुझे ये सिखाया गया कि मोटर बंद करनी है तो मैं से थम, तो रोज मैं इसमें लगाता रोज थम लगाता, तो मैं एक दिन सीख गया। ऐसा होता है ना, मोटर चलाना सीख जाते हैं हम लोग, ऊपर कर देते हैं गियर डालना सीख जाते हैं, रूल ऑफ थम भी तो है बेसिकली। जितना ज्यादा हम लोग अपनी बाइक पे अपनी गाड़ी पे गियर डालते हैं उतना हम लोग सीख जाते हैं। तो आपके द्वारा ये चीजें सीखी जा सकती है। इंटीग्रिटी सबसे पहले होना जरूरी होती है। किसने कहा ये, वॉरेन बफेट ने। अगर किसी व्यक्ति में इंटीग्रिटी नहीं है तो किसी हाल में उसका अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। संगठन में दिक्कतें आई, हिंदुस्तान के अंदर जो प्रशासन भ्रष्ट हुआ उसका कारण था इंटीग्रिटी की कमी होना, क्योंकि जो व्यक्ति सिविल सर्विसेज क्लियर करके जा रहा है वो नो डाउट इंटेलिजेंट व्यक्ति है, कोई कमी नहीं है उसके अंदर। और इंटेलिजेंस ही में जब एनर्जी और मिल जाती है वो रात और दिन भाग भाग के काम करेगा। इसलिए हम लोग देखते हैं जो बेईमान अफसर होते हैं वो बहुत ज्यादा काम करते हैं, रात और दिन फाइलों के अंदर लगे रहते हैं वो, कि हाँ साहब काम हो जाएगा, सर आपका काम भी हो जाएगा, सर आपका काम भी हो जाएगा, सबका काम हो जाएगा। उनके अंदर इंटीग्रिटी की कमी थी, तो हमारे प्रशासन को हम लोगों ने भ्रष्टाचार करना स्टार्ट कर दिया। अब जो नए अधिकारी आ रहे हैं वो अधिकारी बोल रहे हैं हम लोगों में इंटीग्रिटी भी है, इंटेलिजेंस भी है, एनर्जी भी है, तो हमारा जो प्रशासन रहेगा एक नई हाइट्स पे पहुंचेगा। ये बेसिकली इंटीग्रिटी का एक कोटेशन था। बाकी इंटीग्रिटी से रिलेटेड जो भी कोटेशन रहेंगे ये देखेंगे हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, वो चीज समझ में आई या नहीं आई? ठीक